मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती पर हंगामा हुआ है। उपद्रवियों द्वारा कई गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दी गई है और पुलिसकर्मी भी इसमें घायल हुए हैं। जिस समय हनुमान जयंती के पर्व पर शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, तब ये हिंसा शुरू हुई है और देखते ही देखते कई गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस पर भी हमलावरों ने पथराव कर दिया। ये तस्वीरें अब सामने आई हैं पत्थरबाजी की, जो दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके की है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि शोभा यात्रा के दौरान पत्थरबाजी हुई है। हालांकि अभी भी माहौल तनावपूर्ण बना हुआ, मगर जो वीडियो सामने आई है उसमें अफरा तफरी का माहौल देखने को मिल रहा है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने जब मौके पर स्थिति को संभालने की कोशिश की, उपद्रवियों द्वारा उन पर भी हमला किया गया है। ये भी बताया गया है कि शोभा यात्रा पर पथराव किया गया। हालांकि अब पुलिस इलाकों में गश्त कर रही है और काफी हालात यहां पर बिगड़ चुके थे, मगर पुलिस ने अब यहां पर मोर्चा संभाल लिया है। सर, जहांगीरपुरी में जो पथराव हुआ है उसको लेकर मैं कहना चाहता हूं कि शांति बनाए रखना, बिना शांति के तो देश तरक्की नहीं कर सकता। सब लोगों को शांति बनाए रखनी है, सब लोगों को व्यवस्था बनाए रखनी है, और अगर जरूरत पड़े तो जो एजेंसीज हैं, जो पुलिस है, जो सरकारें हैं, जिनकी जिम्मेदारी है, दिल्ली में केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, तो केंद्र सरकार दिल्ली में शांति व्यवस्था बनाए रखें।